तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलग अलग राज्यों में सीटें ज्यादा से ज्यादा जीत रही है और बिहार में बीजेपी की तरफ से सम्राट 400 पार जीतेंगे। और आप सोचिए, बिहार के डेप्यूटी सीएम भी हैं लेकिन दावा कर रहे हैं कि 400 पार एनडीए इस बार जाने वाला है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। जी, हमने अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से बात किया तो वो नकार रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे को। कहते हैं कि बिहार में आश्चर्यजनक परिणाम होंगे और मत जो हैं आरजेडी के पक्ष में पड़े हैं। नहीं नहीं, उनका धर्म वही है ना, वो राजद के अध्यक्ष हैं तो वही बोलेंगे। जनता ने जो फैसला किया है वो सभी मीडिया हाउसेस ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। अभी तक एग्जिट पोल है, कल एक्यूरेट पोल होगा और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी को 400 पार देश की जनता कराएगी। बिहार के परिदृश्य में आपको क्या लगता है चुनावी परिणाम? 40 सीट हम जीतेंगे। सर, आप बोल रहे हैं 40 के 40, लेकिन पवन सिंह ने तो डेंट कर दिया वहां पर आपके उम्मीदवार को। ये तो कल पता चलेगा ना कि किसने डेंट किया किसने नहीं किया। अब तो चुनाव हो गए, जनता ने वोट दे दिए, आपको कल पता चलेगा हम 40 की 40 सीट जीत रहे। तेजस्वी यादव ने इसी बीच एक बयान दिया था कि नीतीश चाचा जो हैं 4 जून के बाद बड़े फैसले लेंगे और हमारे साथ हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बयान का क्या मतलब है? जगदानंद सिंह कह रहे हैं, अभी हमने पूछा उनसे, बोले कोई शरण में आएगा तो हम लोग शरण से हटाएंगे नहीं, फिर वापस ले लेंगे। लालू प्रसाद जी की अराजकता को बिहार जानता है और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जानते हैं। बिहार की जनता और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व बिहार को विकास की ओर ले जा रहा है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जा रहा है। और लालू जी के 15 साल और नीतीश जी के 18 साल को देख लीजिए, स्पष्ट पता चलेगा विकास और विनाश क्या होता है, गुंडा राज क्या होता है। 2 सीटों पर लालू जी का परिवार लड़ रहा है तो एकदम दिखता है कि अपराधिकरण हो रहे, गुंडागर्दी हो रहा है, बूथ लूटने का प्रयास किया जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग्स हो रहे हैं, बूथों पर जाकर हंगामा किया जा रहा है। ये सब डिफरेंस दिखता है। आपको भाजपा का कोई नेता दिखा जिसने बूथ डिस्टर्ब किया हो? हम विरोधी के बूथ पर क्यों जाएंगे जहां वो कह रहे हैं कि नीतीश जी शरण में आएंगे तो फिर हम लेने को तैयार हैं क्योंकि समाजवादी हैं, कम से कम दंगाइयों से अलग हैं। देखिए, स्पष्ट है दंगाई तो लालू प्रसाद हैं। बिहार में जितने दंगे हुए उनके राज में हुए, बिहार में गुंडागर्दी लालू जी के राज में हुए। भाजपा जब भी किसी स्टेट में राज करती है तो शांति अमन और सुशासन लाती है। तो देखा, अपने दावे किए जा रहे हैं लेकिन इन दावों की हकीकत कल ही पता लगेगी, यानी 4 जून को सुबह 6 बजे से सबसे बड़ा स्टूडियो और सबसे तेज नतीजे रिपब्लिक आपको दिखाएगा। जुड़िएगा जरूर हमारे साथ सुबह 6 बजे से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।